नमस्कार, मैं अभिनव, स्वागत है आपका दी पीपल वॉइस में। हम देर करते नहीं पर देर हो जाती है, फिर भी किसी ने माफी ना दिया हो तो इतना ही कहेंगे, हमको माफी दे दो साहब। आज चूंकि बिहार दिवस है तो जरूरी था बिहार पे हम अपनी बात कुछ रखें। हम शब्दों में कभी भी बिहार का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से हम सबका शुरुआत होता है वहीं से शुरू होता है बिहार। संस्कृतियों का सार है बिहार, स्वच्छंद का राज्य है बिहार, जहाँ की संस्कृति में राम राज की परिकल्पना, कृष्ण का दया का भाव, विश्व पर अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले गौतम तथा महावीर की खुशबू की सुगंध, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान, अशोक महान की महानता, चाणक्य का ज्ञान, कालिदास जी की काव्य रचना जिसने विश्व पटल पर बिहार का नाम आसमान से भी ऊंचा कर दिया, ऐसे महापुरुषों का प्रदेश है हमारा बिहार। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास विश्व को पहला गणतंत्र देता है, जिस इतिहास का अंग मगध जो भारत के शासकों का केंद्र बिंदु कभी हुआ करता था, जहाँ एक 12 साल का बच्चा विश्व विजेता सिकंदर को पीछे धकेलने को मजबूर कर देता है, जिस धरती ने अर्थव्यवस्था के रूप में चाणक्य को जन्म दिया, जिस मिट्टी ने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया हो, भारत की स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ हो, ऐसे में गर्व की अनुभूति होना विराजमान है। हम एक ऐसे मिट्टी के उपज हैं जिसने देश और दुनिया को पारस रत्न दिया है। दाव तो चांद में भी होता है, हम कैसे बचते, लेकिन जख्म तब गहरा हो जाता है जब घाव अपनों से मिलता है। जो संस्कृति इतनी समृद्ध हो, जहाँ का इतिहास इतना गौरवशाली हो और जहाँ अतिथि देवो भव की परिकल्पना साकार होती हो, वैसे समाज में जब गीतों की अश्लीलता पिता पुत्र एवं माँ बहनों को समारोह में शीश झुकाने पर बाध्य कर देता है, तब भिखारी ठाकुर शारदा सिन्हा देवी के गीत वाली संस्कृति डूब जाती है। पर इन कारणों के बाद भी हमने बिहार पे गर्व है, और आपको पता ही होगा एक बिहारी